नमस्कार, आज हैं हम मधुली ब्लॉक के बरवा पंचायत में। यहाँ पे गाड़ियाँ आ रही हैं जा रही हैं, पुल की स्थिति मैंने मुआयना किया है। जिस हिसाब से वो पुल एकदम पूरा गिरने जैसा है, कभी भी गिर सकता है और दुर्घटना का शिकार हो सकता है। यहाँ पे कोई भी ऐसा जो कहते हैं ना चिन्ह या निशान लगाना, बड़ी गाड़ियाँ ना आए जाएं, ऐसा कुछ नहीं होता। यहाँ पे ट्रैक्टर भी जा रही है, टेम्पो भी जा रही है, पब्लिक छोटे मोटे सारे वाहन यहाँ से गुजर रहे हैं, आवागमन चालू है। लेकिन जो पुल की स्थिति है देखा जा रहा है, ये पूरा ऐसे लग रहा है कि कभी भी गिर सकता है। यहाँ स्थानीय है कुछ लोग, इनसे जानते हैं, इनको लेके आप इधर आ जाइएगा, यहाँ पे आ जाइएगा, आपका नाम बताइएगा। ये पुल का जो स्थिति आप जो देख रहे हैं यहाँ पे, आपको क्या लग रहा है? खतरे के निशान पर है, वो दो दो आदमी वहाँ पर टूटा है ना। मैं ये कह रहा हूँ कि जो पुल है ये कभी भी दुर्घटना का शिकार हो सकता है। ये मतलब आप कह रहे हैं इसमें कौन सी गाड़ियाँ जाती हैं? बड़ी ट्रैक्टर हुआ, बोलेरो हुआ, मैजिक हुआ, पिकअप हुआ, 5 क्विंटल लाद के भी लेकर लग जा रहे हैं, साइकिल मोटरसाइकिल जा ही रहा है। यहाँ प्रशासन कोई बोर्ड नहीं लगा है, कोई नहीं लगा है। यानी देखा जाए तो कहीं ना कहीं मतलब अब भी खतरे मेरे साथ। ये जो देखिए आप पुल का जो स्थिति, हम लोग को कुछ जाने में डर लग रहा है कि पता नहीं कुछ भी हो सकता है। और ये पूरा लकीरें दरारे पूरी तरह से, ये पुल एकदम यहाँ पे जो है ना पॉइंट धस चुका है। और इस तरफ देखिए, यहाँ पे जो देखिए पूरा ये पूरा टूट भी गया है। ये नीचे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे फंस सकता है। हालांकि यहाँ के लोग आ जा रहे हैं अभी भी इस पे, लेकिन मेरे हिसाब से यहाँ पे एक जो मार्क होती है जो लगाया जाता है, ये खतरे के लिए लिमिटेड गाड़ियां जाएं, ऊपर बैरियर लगाया जाता है, वो भी नहीं लगा है। यानी कोई भी गाड़ियां आ जा रही हैं और कभी भी खतरे का शिकार हो सकती हैं। हालांकि यहां पे नीचे पानी भी काफ़ी है, ऐसा नहीं है कि सूख गया है, बहुत भरा हुआ है पानी। और पूरा यहां पे कोई मतलब बंदोबस्त नहीं है प्रशासन की तरफ से, ये पुल गिर सकता है। मैं सरफुद्दीन अंसारी, मधुबनी ब्लॉक से, पटना न्यूज़ 24 के लिए। जय हिंद।